40 मिनट के लिए शौचालय पर बैठने के बाद मनुष्य के ऋणी शरीर से बाहर हो गया। शौचालय की कोशिश करते समय वह वीडियो गेम खेल रहा था। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अपने सेलफोन पर घंटे बिताते हैं जबकि उनके कारोबार में लूट रहे हैं। लंबे समय से वीडियो गेम खेलने के लिए शौचालय पर बैठे जाने के बाद चीन के एक आदमी को अपने गुदा के साथ तरीके का हिस्सा करना पड़ा। डेली मेल ने स्थानीय रिपोर्टों का हवाला देते हुए बताया कि गेमिंग उत्साही को आधी रात अस्पताल ले जाया गया था। यद्यपि उसकी चूतर से बाहर लटके 6 इंच लंबा भाग अभी भी उसके नीचे संलग्न था। रिपोर्ट में कहा, आदमी के पीछे के सीटी स्कैन की छवियों ने अपने शरीर के बाहर एक बड़ा गांठ लटका दिया। दसुन के अनुसार डॉक्टरों का मानना है कि आदमी का मलाश है शौचालय पर बहुत लंबा बैठने के कारण अपने नीचे से गिर सकता था क्योंकि इससे पेल्विक मांसपेशियों को कमजोर होता है। आदमी ने उन डॉक्टरों को बताया जो वह लगभग 30 मिनट तक शौच करने की कोशिश कर रहे थे। हालत का निदान गुदा के रूप में हुआ था जहां हाथों का अंत हिस्सा शरीर के साथ अपना लगाव खो देता है और अंदर बाहर बदलकर बाहर आता है। उस आदमी को एक बच्चा के रूप में गुदा का प्रकोप से पीड़ित हुआ और उसे कभी भी इलाज नहीं मिला जिसने इस स्थिति को खराब कर दिया। सन यत्सेन विश्वविद्यालय के 6ठी संबद्ध अस्पताल के शल्य चिकित्सक ने शल्य चिकित्सा से शरीर के अंग को अपने शरीर से निकाल दिया और उन्हें ठीक होने के लिए कहा जाता है। यह घटना 4 फरवरी को दक्षिण पूर्वी चीन के झोंगशान में हुई थी।